गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुष्मिता गौतम में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे आप सबके डिमांड पे चिकन रेसिपी, क्योंकि बहुत से कमेंट्स आ रहे थे, मैं रेगुलर वेज रेसिपी अपलोड कर रही थी, तो आज हम बनाएंगे चिकन कबाब। आप उसको चिकन सीख कबाब भी बोल सकते हैं, बट हम सीख पे नहीं लगाएंगे, उसकी टिक्कियां। अरे कहना क्या चाहते हो? उसको टिक्की की शेप बनाएंगे हम, तो आप जुड़े रहना वीडियो के एंड तक। वीडियो को मिस मत करना, कोई भी इंग्रेडिएंट मिस मत करना कि आपके अच्छे ना बने, तो वीडियो को जरूर एंड तक देखना। तो अभी हम स्टार्ट कर। तो सबसे पहले हम जो हमें चाहिए प्याज, लहसुन, अदरक, ग्रीन चिली, उसको कट कर लेते हैं और फिर इसे हम ग्राइंड करेंगे। तो आप वीडियो देखते जाओ कि मैं कैसे कैसे कर रही हूँ। तो ये है हमारे सारे इंग्रेडिएंट्स चिकन कबाब के, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, थोड़ा सारा धनिया, नींबू, एक एग और साथ में चिकन कीमा। आप चिकन वो भी ले सकते हो विदाउट बोन, उसको घर पे भी कट कर सकते हो, वैसे आप वही लेना, क्योंकि जब मैंने इसको ग्राइंड किया है थोड़ा ज़्यादा पतला हो गया था। आप अगर चिकन जो है दूसरा लोगे, उसको थोड़े थोड़े छोटे पीसेस में कट करके ग्राइंड करोगे, तो वो काफ़ी अच्छे से थिक सा पेस्ट बनता है। तो ये मैंने थोड़ा गलती कर दी चिकन कीमा लेके। आप जो है बोनलेस चिकन ले सकते हो, उसको ब्रिक ब्रिक कट करके फिर उसको आप ग्राइंड कर सकते हो। तो हमने सारा मटेरियल डाल लिया, अभी इसमें हम स्पाइसेस ऐड करेंगे। सबसे पहले हमने सॉल्ट ऐड किया अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर इसमें ऐड किया और थोड़ा सा गरम मसाला ऐड किया हमने, और रेड चिली इसमें हम ऐड करेंगे और इसको अभी हम करेंगे ग्राइंड। अभी जो हमारा चिकन था और सारे मसाले थे वो हमने ग्राइंड कर लिए हैं। इसका पेस्ट थोड़ा सा पतला हो गया था, इसीलिए मैंने आपको बोला है कि आप जो है अगर कीमा लोगे तो उसको बिल्कुल थोड़े समय के लिए ही ग्राइंड करना, ज़्यादा मत करना। अदरवाइज़ आप बोनलेस चिकन लो, उसको छोटे छोटे पीसेस में कट करके फिर उसे आप ग्राइंड कर सकते हो। मैंने थोड़ा ज़्यादा ग्राइंड कर दिया, क्योंकि जब मैंने पहले बनाया था तो हमने चिकन जो है बोनलेस लिया था, तो मुझे इतना नहीं पता था कि ये थोड़ा पतला पेस्ट हो जाएगा। मैं इसलिए बता रही हूँ आप कि आप मेरी जैसी गलती मत करना जो मैंने किया। बाकी बन गया था ये, ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं था, बट फिर भी अगर हम थोड़ा इसको थिक पेस्ट रखते तो ये काफ़ी अच्छा बन जाता, क्योंकि हमें बाइंडिंग के लिए कुछ ऐड नहीं करना होता है। अगर तो इसमें मैदा वगैरह जैसे ऐड करते हैं फिर तो अच्छा बन जाता, बट हमें डाइट में कुछ भी यूज़ नहीं करना है, मैदा, कॉर्नफ्लावर, ये सब, तो इसीलिए मैंने आपको बोला। बाकी देख सकते हो शेप तो अच्छी आ गई थी इनकी और बन भी गया था, बट थोड़ा सा ये पतला हो गया था बैटर जो है। तो हम तवे पे अच्छे से देसी घी लगा के, जैसे कि आपने वीडियो में देखा है, ऊपर हम छोटी छोटी पतली पतली सी टिक्कियां बना लेंगे इसकी। अगर आपको कबाब मतलब सीख कबाब की तरह खाना है तो इसको उस पर स्टिक पे लगा के आप वैसे भी पका सकते हो, बट मैं थोड़ा इजी हो जाए तो इसकी हम टिक्कियाँ बना लेते हैं। तब ये वैसे गोल गोल रख के तो ये काफ़ी अच्छी बन जाती है, और पतली पतली बनानी है कि पूरा अच्छे से चिकन जो है पक जाए अंदर से, जैसे कि आप देख रहे हो वीडियो पे। तो आप ऐसे इसको तवे पे रख के बना सकते हो और इसको अच्छे से लो फ्लेम पे पकाना है आपको, फुल गैस पे नहीं पकाना, नहीं तो जल सकती है। पूरा अच्छे से लो फ्लेम पे पकाओ तो ये काफ़ी अच्छी बनेगी। साथ साथ हमारा दूसरा चिकन भी बन रहा था, उसकी रेसिपी आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी, वो भी काफ़ी अच्छा बना था, काफ़ी यमी था। और ऊपर से आप लगाओ थोड़ा थोड़ा देसी घी इसमें कि अच्छे से हमारा ये पक जाए। देसी घी, बटर, कोकोनट ऑयल आप कितना भी यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई आपको क्वांटिटी मेजरमेंट नहीं है। अच्छे से खाओ, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी इससे, तो आप इसे अच्छे से यूज़ कर सकते हो, अच्छे से आप खा सकते हो। तो
जैसे कि आप देख रहे हो हमारी जो टिक्कियाँ हैं एक साइड से पकना स्टार्ट हो गई है। हमने इनको बिल्कुल हल्के हाथों से जो है चेंज करना स्टार्ट कर दिया। इसको हमने चिमटा लेके जो आप कोई भी हल्का तेंथा वगैरह होता है उससे भी आप पलट सकते हो जैसे भी। तो मैंने इनको चिमटे से पूरा पलट दिया था और अच्छे से एक साइड से पक गया और दूसरी साइड से भी इसे हमने अच्छे से ही पकाना है पूरा लो फ्लेम करके, कि बिल्कुल भी जो हमारा चिकन है वो कच्चा नहीं रहना चाहिए। तो आप इसको ऐसे हल्के हाथों से पूरा बदल के अच्छे से पका सकते हो। तो जो हमारे कबाब था वो बिल्कुल अच्छे से पक गया था दोनों साइड से जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हो। अभी हम इसको निकाल लेंगे और जितना आपको चाहिए उतना आप बना सकते हो। जो मैंने आज जो चिकन लिया था वो 250 ग्राम ये वाला चिकन था और साथ में जो मैंने ग्रेवी वाला चिकन बनाया था 500 ग्राम वो था। तो मैंने जो है थोड़े से कबाब बनाए थे और बाकी दूसरा चिकन भी खाया था। आपको जितनी भूख है आप उस हिसाब से खा सकते हो। जैसे कि पूछते हो कि हम कितना खा सकते हैं, आप चाहे हाफ़ के जी चिकन खाओ चाहे उससे ज़्यादा खाओ, जितनी आपको भूख है आप उतना खा सकते हो। तो हमारा दूसरा चिकन भी साथ साथ बन रहा था और हमने कुछ और भी टिक्कियाँ इसमें लगा दिया बनने के लिए। वो हमने थोड़ी बड़ी बड़ी उनकी शेप रखी है कि थोड़ी जल्दी से बन जाए, क्योंकि मुझे काफ़ी भूख लग रही थी, इतनी अच्छी अच्छी खुशबू आ रही थी खाने की तो कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। इसलिए फिर हमारा ऑलमोस्ट खाना बन के रेडी था जैसे कि आप देख रहे हो। ये देखने में भी बहुत टेस्टी थी और खाने में भी बहुत ही यम्मी थी गाइस। आप साथ में ग्रीन चटनी लो, साथ में प्याज लो काट के, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और बाकी वीडियोस को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। ज़रूर बताना कमेंट में कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट रेसिपी के साथ। बाय बाय, लव यू ऑल।